सो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। जी हाँ, दो हफ्ते से हमने वन पीस नहीं पढ़ा और फाइनली स्पॉइलर्स आ चुके हैं। मुझे पता है आप लोग अगले चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड, और हाँ आपकी एक्साइटमेंट बनती है क्योंकि चैप्टर इज रियली गोइंग टू बी गांडफाड़। सच बहुत ही गजब का चैप्टर आया है एंड जो स्पॉइलर्स हैं भाई आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा चैप्टर कैसा होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम टैपमैन भाई इंट्रो लगा दो। सो चैप्टर का नाम है अ जीनियस ड्रीम। चैप्टर के टाइटल से पता चल रहा है दैट दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी ड्रीम अबाउट वेगा पंक, क्योंकि एक ही जीनियस है पूरे वन पीस वर्ल्ड में जिसको हम वेगा पंक के नाम से जानते हैं एंड इस बंदे का भी अपना एक ड्रीम था। सो ये ड्रीम भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले हम बात करते हैं कवर पेज की, तो कवर पेज में हम देख सकते हैं कि सीजर और जज आपस में फाइट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पास्ट में मैट्स को लेकर इनके बीच में कोई अनबन हुई होगी, उसी को लेकर ये अभी भी मतलब फाइटिंग कर रहे हैं। और इसी फ्लैश बैक में हम वेगा पंक को भी देखेंगे कि वो पहले के टाइम पे कैसा दिखता था। देखो इससे पहले और भी कई सारी कवर पेज स्टोरीज आ चुकी हैं, बट इस समय जो कवर पेज चल रहा है ना, मतलब ये जो बिग मॉम आइलैंड की पूरी स्टोरी हमें देखने को मिल रही है, ये एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग है। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमें रिवील हुई हैं। हमें ये भी पता चला था कि मीनवाइल कैसे पुडिंग को किडनैप किया गया था, जो कि हमें आगे चल के चैप्टर में देखने को मिला। सो हाँ, काफी सारी फोरशैडोइंग हमें कवर पेजेस में देखने को मिल रही है टू दी करंट स्टोरी। तो आई एम रियली, मेरे ख्याल से आप लोग भी बहुत ज्यादा कवर स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। इसके बाद हमें रॉब लुची का सीन देखने को मिलेगा जो कि वेगा पंक के पाइथागोरस से पूछ रहा होता है कि सीपी0 के उन शिप्स के बारे में जो कि आज से पहले बहुत बार गायब हो चुके हैं एगहेड आइलैंड के आसपास में। यहाँ पे पाइथागोरस साफ साफ मना कर देता है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है और सीपी0 वालों से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। तो रॉब लुची यहाँ पे बाकी के सीपी0 मेंबर्स को बोलता है कि हम शिप को छोड़ रहे हैं, और फिर वो लोग सेराफिम कुमा को बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम निक्यू मी की पावर्स को यूज करो, जो कि काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको नोट करके रखना। तो इस पावर की हेल्प से वो इन सभी को एगहेड आइलैंड पे भेज देता है जो कि ऑब्वियसली कुमा की पावर्स है। और जैसे ये लोग इस शिप को छोड़ते हैं तुरंत ही कोई सी बीस्ट आता है और एक सी किंग आता है और उनके पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली ये है कि जो निक्यू नो मी है वो उस डेविल फ्रूट की पावर्स एक सेराफिम के पास है, मतलब इस वॉरलॉर्ड के क्लोन के पास भी ओरिजिनल डेविल फ्रूट की पावर्स है। यानी कि चीज हमें दोबारा से रिक्रिएट होते हुए दिख रही है कि वेगा पंक ने जिस तरह से काइडो की डेविल फ्रूट को क्लोन किया था, उसी तरह से इसने बर्तलोमियो कुमा के डेविल फ्रूट को भी क्लोन किया है। अभी आप सोच रहे होगे कि आपको शायद डोफ्लामिंगो वगैरह के डेविल फ्रूट के पावर्स का भी क्लोन देखने को मिले, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज जिस तरह से काइडो उस कन्फाइनमेंट में था जहाँ पे वेगा पंक ने उसके लिनियज फैक्टर को एक्सट्रैक्ट किया था, उसी तरह से कुमा भी वहां पर प्रेजेंट था, बट डोफ्लामिंगो एंड बाकी के जो वॉरलॉर्ड्स थे वो सभी वहां पे नहीं थे, तो वो उनके डेविल फ्रूट का क्लोन शायद नहीं बना पाया। वेल दैट इज व्हाट आई थिंक, बट हमें आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा कि आखिर रियलिटी क्या है। इसके बाद सीन चेंज होगा और हमें देखने को मिलेगा कम्बा का किंगडम को, जहाँ पे जो असली कुमा है वो भी अपने निक्यू मी के पावर्स को यूज कर रहा है और एक अननोन जगह पे वो चला गया है। तो काफी सारे लोगों का डाउट था कि जिस तरह से कुमा बाकी लोगों को ऐसे ही किक कर देता है और वो हवा में कहीं और चले जाते हैं, तो क्या कुमा खुद को भी भेज सकता है? तो हाँ भाई, वो खुद को भी टेलीपोर्ट कर सकता है अपने डेविल फ्रूट के थ्रू। सो इस समय उसने यही किया और किसी एक अननोन जगह पे वो चला गया। वापस हम एगहेड आइलैंड को देखते हैं जहाँ पे वेगा पंक लूफी को अपना ड्रीम रिवील करता है कि कैसे वो पूरी दुनिया को फ्री एनर्जी देना चाहता है ताकि इस दुनिया में जो वॉर ऑफ पावर है, यानी कि पावर को लेकर जो लड़ाई झगड़ा है, वो खत्म हो जाए। सो आई थिंक आप इसको रियल वर्ल्ड से रिलेट कर पा रहे हो कि कैसे तेल के नाम पे बहुत बार वर्ल्ड में वॉर्स हुई हैं। किस तरह से इराक में 2003 से 2011 तक ऑयल का वॉर चल रहा था, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ने इराक के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी। काइंड ऑफ मुझे ये उससे सिमिलर लगा जब मैंने ये स्पॉइलर पढ़ा। लेकिन जैसे जैसे वो इस न्यू एनर्जी के सोर्स को डिस्कवर कर रहा है ताकि ये पूरा वॉर का सिचुएशन खत्म हो, वैसे वैसे ही बहुत ही ज्यादा एक मिस्टीरियस, वैसे वैसे ही वो एंशियंट एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है जो कि पहले के टाइम में शायद कोई एनर्जी एग्जिस्ट करती थी, जिसकी वजह से उसको वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। एंड दैट इज वाई वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहती है कि इस बंदे को जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए। एंड यही सेम रीजन है कि वेगा पंक चाहता है कि लूफी उसे कहीं और लेकर जाए। एंड लूफी बींग लूफी वो एग्री कर लेता है और वो बोलता है कि ठीक है वेगा पंक, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वेगा पंक ये चीज सुन के बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी पैकिंग करना शुरू कर देता है और वो लूफी से बोलता कि हम टॉप फ्लोर पर मिलेंगे और बोनी को वहां पर ले आना। एंड उसके बाद वेगा पंक खुद को कहीं और टेलीपोर्ट कर लेता है। इसके बाद CP0 एगहेड आइलैंड पे पहुंचती है। वेगा पंक का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो CP0 से फाइट करने लगता है। नामी और वो पूरा का पूरा ग्रुप इस समय देख रहा है कि कैसे रॉब लुची और बाकी सभी लोग फाइट कर रहे हैं। शाका यहाँ पर बाकी के सेराफिम्स को रिलीज करने को बोलता है। इसमें एक सेराफिम स्नेक, सेराफिम हॉक और सेराफिम शार्क है। तो सेराफिम स्नेक से आप समझ गए होंगे बोआ हैंकॉक, हॉक का मतलब मियोक एंड शार्क का मतलब शायद वो जिम्बे से ले रहा है। यहाँ पे वो
सेंटोमारू को कंट्रोल अथॉरिटी भी दे रहा है, मतलब इन सारे शरा फिल्म्स का कंट्रोल सेंटोमारू को दे रहा है। बट मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ आखिर सेंटोमारू को क्यों दे रहा है, सेंटोमारू तो यार मतलब गवर्नमेंट का आदमी है, फिर ये कैसे पॉसिबल है। ऑल्दो हमने सेंटोमारू को देखा नहीं है इन दी स्पॉयलर्स और ये चीज भी कंफर्म नहीं है कि वो आइलैंड पर है, सो आई थिंक ये कोई ट्रांसलेशन इशू भी हो सकता है। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि CP0 एगहेड आइलैंड को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और जो इनके साथ एक लड़की थी ना जिसका नाम स्टशी था, वो सारे डिटेल जानती है एगहेड आइलैंड के बारे में और शायद वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है। काकू भी यहाँ पर बहुत एक्साइटेड है और इधर उधर जाके ट्रैप्स में फंसते जा रहा है। तभी अचानक से वेगा पंक की एटलस वर्जन आती है और वो लूची से फाइट करने लगती है। यहाँ पे शाका एटलस को समझाता है कि बहन रुक जा, वो तेरे बस का नहीं है, बट वो नहीं मानती है और फाइनली लूची उसे पटक के तोड़ देता है। लेकिन फॉर्चुनेटली एटलस अभी भी जिंदा है बट उसके लेफ्ट साइड का शायद पूरा फेस टूट चुका। कन्फर्म होते हैं कि वेगा पंक के जो क्लोन्स हैं शायद ये सभी के सभी रोबोटिक हैं। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि इसने ह्यूमंस को मॉडिफाई किया, शायद वो सीन नहीं है। इसके बाद चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि लूफी और उसका पूरा ग्रुप बोनी को लेके जा रहे हैं, लेकिन तभी लूची वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर लूची लूफी को देख के बोलता है मुगीवारा एंड सेम लूफी बोलता है कबूतर वाले लौंडे एंड इसी के साथ चैप्टर अपना खत्म हो जाता है। सो आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर वन मोर लूची वर्सेस लूफी? वेल व्हाई नॉट, सभी लोग एक्साइटेड है यार, आखिर बहुत मजा आया था पहले वाली फाइट में, आई थिंक दोबारा से कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है इतना बड़ा बिल्डअप अभी नहीं हुआ है कि अचानक से एक मेजर फाइट आ जाए। आई गेस कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से इनके बीच की फाइट कंप्लीट नहीं होगी और बाकी के डिटेल्स हमें चैप्टर आने के बाद ही क्लियरली पता चलेंगे। अभी ये सारे स्पॉयलर सही है या नहीं या फिर इसमें कोई ट्रांसलेशन इशू है ये भी चीज क्लियर नहीं है, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार जो चैप्टर ही आया था उसी में ट्रांसलेशन इशूज थे, सो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेल दैट वाज इट फॉर द मांगा स्पॉयलर्स ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।